हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से यानी एमसीक्यूज को देखेंगे। क्या कह रहा है, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ वन को, यहाँ पे दिया हुआ है कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। फिर आगे क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल आर इन द रेशियो। अब देखिए, जब भी आपके सिमिलर ट्रेंगल की एरिया और साइज से रिलेटेड उनके रेशियो की बात करेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा हम लोग जो थ्योरम पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग, कि अगर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें एरिया का रेशियो निकालना है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर अगर आपके पास एरिया का रेशियो दिया है, अगर साइड का रेशियो निकालना है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो जो एरिया होगा उसका उसके उसके रेशियो का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, एरिया के रेशियो का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमें साइड का रेशियो मिल जाएगा। या फिर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशियो उनके मीडियन के रेशियो के भी स्क्वायर के इक्वल होता है, उनके एल्टीट्यूड के भी एल्टीट्यूड के भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के भी रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये सब चीजें हम लोग थ्योरम में पढ़े हुए हैं, तो ये चीज को आप ध्यान रखना होगा। यानी कि साइड का रेशियो दिया हो, मीडियन का रेशियो दिया हो, अल्टीट्यूड का रेशियो दिया हो, अगर हमें क्या करना होगा, अगर उससे उन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना होगा तो उनके स्क्वायर कर देंगे, उस रेशियो का स्क्वायर कर देंगे। अगर एरिया का रेशियो निकालना, एरिया का रेशियो दिया हो और साइड साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का एल्टीट्यूड का या फिर मीडियन का रेशियो निकालना हो तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास साइड का रेशियो दिया है इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, डी नंबर हो जाएगा।